के लिए अभी जा रहे हैं एयरपोर्ट पे, सऊदी का किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जा रहे हैं। ठीक है, अभी रास्ते में हैं और ये हमारे दोस्त हैं और इनके साथ में इनका मुदीर है। तो तीनों आदमी जा रहे हैं एयरपोर्ट पे। हमारा फ्लाइट है यार टू ओमान, ओमान टू न्यू दिल्ली, दिल्ली टू लखनऊ, तीन जगह का फ्लाइट है। और वहाँ पे ओमान में ज़्यादा वेटिंग नहीं है, ओमान में 2-3 घंटे का वेटिंग है और दिल्ली में हमारा वेटिंग है 6 घंटे का। तो दिल्ली में थोड़ा बोरिंग होएगा लेकिन मुश्किल नहीं, टाइम पास कर लेंगे। और आगे जो भी होगा मैं पूरा वीडियो में आपको दिखाते रहूँगा और जो भी हमारा एक्सपीरियंस रहेगा तीनों फ्लाइट का मैं आपको आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, तो चलिए मैं आगे का जो भी होगा आपसे बताता हूँ। और देख सकते हैं ये है किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट रियाद का, यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, देख सकते हैं कुछ इस तरह से है। यह है पूरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सऊदी का, देख सकते हैं आप लोग। और ये हमारा एक सेल्फी वहीं से लिया था। और ये मैं इंट्री अपना सब बोर्डिंग फॉर्म, और ये देखिए मैं फ्लाइट के अंदर आ चुका हूँ। और ये इसमें फिलिपीन भी देख सकते हैं, ओमान एयरलाइंस में देख सकते हैं। अभी पूरा लाइट भी बंद है और इसमें हर सीट के पीछे एक वो रहता है, पूरा स्क्रीन लगा होता है, इसमें फिल्म भी लगा होता है, हिंदी जो इंग्लिश जो भी लैंग्वेज आप देखना चाहें उसमें देख सकते हैं। मैं अपना एक वो लगा था, फिल्म का नाम नहीं आता था, देखिए ये फिल्म थी। ठीक है, और उसके बाद से ये ओमान का एयरलाइंस यहाँ से देखिए ख़त्म हो चुका है और हमें ओमान में आ चुके हैं और यहाँ से ये जा रहे हैं और दूसरी फ्लाइट के लिए। ठीक है, देख सकते हैं। और ये वहाँ का एयरपोर्ट का सीन है कुछ इस तरह से, बहुत अच्छा लग रहा है वहाँ का एयरपोर्ट ओमान का। और वहाँ पे ओमान में पूरा हिंदी में अनाउंस हो रहा है ओमान में, और ओमान और सऊदी में 1 घंटे का फ़र्क है। जैसे इंडिया में हम थे तो 2.5 घंटे का फ़र्क होता था और ओमान से इंडिया का फ़र्क बस 1.5 घंटे का होता है, और सऊदी से ओमान का फर्क, सऊदी से 2.5 घंटे का इंडिया में फ़र्क होता है और ओमान से इंडिया में 1.5 घंटे का बस फ़र्क होता है। ठीक है, हाँ भाई दिल्ली। और ये देख सकते हैं ओमान का ही एयरपोर्ट का पूरा ये वीडियो है, देख सकते हैं ओमान का एयरपोर्ट इस तरह से। और मैं एक चीज़ बताना है अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को कुछ कुछ बताना। ये देखिए वहाँ का फ्लाइट का वीडियो है एयर ओमान का। ये जो इंटरनेशनल बहुत बड़ी फ्लाइट है, We will shortly be dimming the cabin lights for takeoff. If you would like to continue reading, please use the individual reading light. ये देख सकते हैं उसमें लोकेशन भी बताते रहता है कि आप कौन सी जगह पे हैं। ये देखिए जब फ्लाइट चल रही थी तो वहाँ से ओमान से जो समुंदर पार कर रहा था वहाँ दिखा रहा था, और इसमें खाने के लिए सब मिला था, जैसे पानी, जूस और एक सैंडविच, चिकन सैंडविच मिला था, इसके अंदर चिकन होता है फोटो। जब आप लगेज भरें तो ये देख सकते हैं ये इंडिया का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इंडिया का दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुछ इस तरह से देख सकते हैं। मैं यहाँ पे आया था तो आप अपना सिम भी चाहें तो सऊदी में चालू कर सकते हैं, लेकिन आपको आपका सिम चालू रखेंगे आपको हर महीने रिचार्ज कराते हैं, 3 महीने के रिचार्ज करते रहेंगे, नहीं तो कम वाला भी कराते रहेंगे तो आपका सिम चालू रहेगा, तो साल रिचार्ज करते रहेंगे तभी आपका सिम चालू रहेगा, नहीं तो सिम बंद हो जाएगा। ये भी दिल्ली का सकते हैं, मैं पूरा वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि लगेज थोड़ा ज़्यादा था इसलिए मैं परेशान था। ठीक है, और जब आप जाने लगे तो लगेज का आप हैंड बैग में 10 किलो तक आप आराम से लेके जा सकते हैं,
उससे ज़्यादा लेके जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और हैंडबैग में टार्च अगर लेके आते हैं आप उसमें लगेज में रख के, तो दिल्ली में आएंगे तो आपको टार्च वहाँ में लगेज पे नहीं लेके जाएंगे देंगे, तो आपको टार्च लेके आना है तो आपको हैंडबैग में डाल के लेके आना है, ठीक है। और कोई भी लिक्विड सामान आपको हैंडबैग में नहीं लेके आना है। दिल्ली में ओमान से सऊदी से मैं लेके आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन दिल्ली में हमें बहुत परेशान किए थे, जो भी उधर से यहाँ तक दिल्ली तक आने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन दिल्ली में आने के वास्ते हम लोग का बैग खोल के चेक करके दिखाना पड़ा, इतना दिल्ली वाले परेशान। अगर आपको आना है तो दिल्ली तक आइए, उसके बाद से दिल्ली से निकल जाइए, नहीं तो दिल्ली में इतने परेशान करेंगे कि आप तंग हो जाएंगे। उसके बाद से दिल्ली में देखिए फ्लाइट हो रहा था, दिल्ली में फ्लाइट होने के लिए मौसम ख़राब हो गया, आधा घंटा तक लेट हो गया, बारिश की वजह से मौसम बहुत ख़राब था। और हमें सऊदी से ओमान गया उतना डर नहीं लगा, ओमान से दिल्ली सऊदी से ओमान गया, ओमान से फिर दिल्ली है वहाँ तक इतना डर नहीं लगा, लेकिन ये जब दिल्ली से फ्लाइट हुई और क्या बोलते हैं लखनऊ तक आई, इतना मतलब फ्लाइट ऐसे ऐसे कर रहा था डर लग रहा था। और मैं देखिए लखनऊ में अभी आ चुका हूँ, ठीक है, दिल्ली से फ्लाइट हुआ ये अभी इसके पहले जो दिखाया था दिल्ली फ्लाइट हुआ, और देखिए लखनऊ आ चुके हैं। लखनऊ जहाँ पे सामान मिलता है कुछ इस तरह से बैग आता है, इसमें आपका बैग घूमता रहेगा, आपको जो भी बैग है आप इसमें से निकाल लीजिए, देख सकते हैं। तो मेरा बैग अभी कुछ ही टाइम में आने वाला, क्योंकि मैं देखा था वहाँ से आ रहा था, इसी पे सामान घूमते रहता है, अपना सामान आप पहचान के निकाल सकते हैं। ये हमारा लगेज देखिए अभी इसके बाद आने वाला है, 30 किलो का है, ठीक है। तो हमारा 30 किलो लगेज था और 7 किलो था हैंडबैग में, तो मैं उसमें ज़्यादा करके 10-11 किलो का लमसम था। ये देखिए हमारा आ गया है, सॉरी ये नहीं है, ये वाला है रेड वाला, ये देखिए। तो ये हमारा इसमें मैं पूरा स्टिकर नाम पता एड्रेस वेड्रेस पूरा मैं डाला था, ठीक है। तो ये हमारा लगेज ले लिया, अभी निकलेंगे लखनऊ एयरपोर्ट से बाहर, फिर लखनऊ मेट्रो, आपको अगर लखनऊ से जाना है तो लखनऊ मेट्रो पकड़िए और सीधे बस स्टेशन पर आ जाइए। ये देखिए लखनऊ मेट्रो है, मैं लखनऊ मेट्रो में आ चुका हूँ, वहाँ से आप सीधे निकलेंगे तो 20 रुपये लगता है मेट्रो का टिकट निकालेंगे और सीधे बस स्टेशन पर आ जाएंगे और आराम से आप जाएंगे एकदम रिलैक्स होके। मैं लिफ्ट से सीधे लखनऊ बस स्टॉप पर आ गया, उसके बाद से बस स्टॉप जाने के बाद से सीधे आपको बस स्टॉप पर जाना है और जहाँ का भी आपका बस है वहाँ पर पकड़ लीजिए। मैं लखनऊ से गोरखपुर का बस पकड़ने वाला हूँ और मैं बस पकड़ के क्योंकि मैं बस पकड़ लिया लखनऊ से, यहाँ से हमें 366 रुपये लगा है और हमें बैग का भी पैसा नहीं देना पड़ा, ठीक है।